निषाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव की समीक्षा बैठक और कार्यकर्ताओं में एक बार फिर अगले चुनाव के लिए तैयार करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद अम्बेडकर नगर पहुंचे। समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने लोकसभा चुनाव में मिली हार पर कहा कि विपक्षी गठबंधन ने झूठ बोलकर जनता को बरगला लिया, जिसके कारण जनता ने भाजपा को छोड़कर उनको वोट किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में बिना किसी भेदभाव के सबका इलाज किया जा रहा है, घर दिया गया, राशन दिया जा रहा है। और हम तो जो वादा किए जनता को इलाज कराने का, मकान देने का, उनको जो है अनाज देने का, वो हम पूरा कर रहे हैं। वहां कोई भेदभाव नहीं, चाहे मुसलमान का हो, चाहे किसी जाति किसी धर्म का। अगर बिना भेदभाव के हमारी सरकार सभी जाति को तय किया है कि हमारे ही भारत के नागरिक हैं, उन्हें देना है, वो उनके दिमाग में दूसरा क्या भर रहा है उनसे मतलब नहीं। हम नागरिक समझकर भारत के एक इस वसुधैव कुटुंबकम, हर जाति हर धर्म बिना भेदभाव के, राम राज विषाद राज और भगवान राम यही जगह है फैजाबाद। जब त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया, मिलाया, आए और कैबिनेट में पास किया, राम राजा है, मतलब सुख का राजा है, सभी जाति सभी धर्म बिना भेदभाव के। तो बिना भेदभाव के अभी हम लोग रहते हैं यहाँ। जाति जाति के बीच में भाई बनाया गया, भय पैदा किया गया, नरेटिव सेट किया गया, झूठ बोला गया। तो ये चीजें ज्यादा दिन नहीं चलती है और समय आने दीजिए, अगला चुनाव में बहुत मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे।